हेलो प्यारे बच्चों, कैसे बाड़ू सब लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए लेक्चर में। आपने पिछला लेक्चर बहुत ही अच्छे ढंग से देखा है, समझा है, इसलिए मुझे भी बताने में बहुत खुशी हो रही है। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है अनुवाद के ऊपर। हम अनुवाद सीख के ही मानेंगे। तो हमने कुछ बेसिक चीजें कर ली है और हमने अनुवाद बनाना सीख भी गया है। आज हम सीखने वाले हैं बिल्कुल डिटेल से लंग लकार यानी कि भूतकाल। तो बिना देर के हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे लंग लकार यानी कि भूतकाल। हाँ, एक बार और कि लंग लकार ही पढ़िएगा, कुछ गलती सलती मत पढ़िएगा, नहीं तो अर्थ के अनर्थ हो जाएगा, फिर लात जूता खा गला बात हो जाएगा। तो लंग लकार यानी कि भूतकाल, ठीक है। इसका हिंदी होता है भूतकाल। भूत देख करके, भूत सुन करके डरिएगा नहीं। कितना बंदा होता ना है जो डरपोक होता है, भूत के नाम से उसको कप कप आ जाता है और फिल्मों में ऐसे दिखाता है। तो ऐसा मत कीजिएगा भूतकाल। भूतकाल का मतलब होता है कि वैसा समय जो बीत गया है, जो पहले हो गया है अब नहीं हो रहा है, ऐसे कहते हैं भूतकाल। जैसे आपने बहुत बचपन में नटखट किया होगा, आपने बहुत शैतानी किया होगा, किसी का माथा फोड़ दिए, किसी का चुन्नी खींच लिए, किसी का जो है काम बिगाड़ दिए, तो ये सब भूतकाल था, बचपना था जो बीत गया है, तो उसे ही कहते हैं संस्कृत में लंग लकार यानी कि भूतकाल। तो आज हम लंग लकार भूतकाल का अनुवाद सीखने वाले हैं, वो भी संस्कृत में। जैसे कि वह पढ़ता था, वह जाती थी, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे लिए पिठा लेके आती थी। पिठा से हमको याद आया, एक बार बताते हैं, जब हम 10th क्लास में पढ़ते थे, देखिए सच्ची घटना है तो आप मजाक नहीं उड़ाएगा, ठीक है। तो जब हम 10th क्लास में पढ़ते थे तो बहुत सारे दोस्त यार होते ही है और लड़का लड़की हमको उस समय तो उतना होता नहीं है। ठंडा का दिन था, मतलब कि जनवरी का महीना था और उस घर में पिठा बना था। आप लोग पिठा जानते होंगे तो आपको पता ही होगा। तो जो पिठा बना था तो अगले दिन जो है वो क्लास में लेके आई, मतलब आगे क्लास चल रहा था साइंस का और हम लोग पीछे जो है नीचे बेंच के नीचे जाके पिठा खा रहे हैं, तो वो सब याद रहता है, ये बचपना होता है। तो वह पढ़ता था, पढ़ता था, तो यहाँ पर जो था लगा हुआ है ये बताता है कि यह भूतकाल यानी कि लंग लकार है। तो आपको पहचानने तो आता ही होगा, पहचानने तो आता ही है ना, सबको आता है, जो बेसिक पढ़ लिया है उसको तो आता ही है, बाकी सबको तो पता नहीं। तो वह पढ़ता था भूतकाल है, लंग लकार है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है, क्योंकि सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। सूत्र अगर आपको मालूम है तो लंग लकार का आप बेसिक जान गए, फिर आपको अनुवाद बनाने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं, मोदी जी भी नहीं रोकेंगे आपको, ठीक है। तो इसका सूत्र जानते हैं। तो सूत्र जानने से पहले मैं कुछ बताता हूं आपको। बाबू यहां लिखेंगे एक वचन, कुछ याद आ रहा है आपको, यहां लिखेंगे द्विवचन, वचन वचन, और यहां लिखेंगे बहुवचन, बहुवचन। हम एक बंदा से पूछे थे जब हम क्लास ले रहे थे, ऐसे क्लास था तो हम पढ़ा रहे थे, हम पूछे कि बहुवचन किसे कहते हैं, तो एक बच्चा फटाक से खड़ा हुआ और कहता है कि जब नई नई बहू आती है घर में और वो जो खटी खोली सुनाती है, जो अपना वचन कहती है, उसको कहते हैं बहुवचन। तो उसको बहुवचन नहीं कहते हैं, बहु मतलब पुतोह और वचन मतलब खरी खोती ग्वाली, तो उसको बहुवचन नहीं कहते हैं। बहुवचन मतलब ढेर सारा संख्या, ठीक है, तो बहुवचन कहते हैं। फिर यहां बताया था प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आपने अगर बेसिक देखा है तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आने वाला है, 100% समझ में आएगा, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। लेकिन अगर आपने बेसिक नहीं देखा है, इसका पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं देखा है, तो भैया मुझे माफ कीजिएगा, हम साफ साफ कहते हैं आपको 100% समझ में नहीं आने वाला है, हो सकता है आपको 50% ही समझ में आए, लेकिन मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आप जो डायरेक्ट भी देख रहे हो उसको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए ये बना दिए कॉलम, अब लिखते हैं सूत्र। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है त, ताम और न, त ताम न, यहां पे होता है अह, तम और त, यहां होता है अम, आव और आम, आम मतलब कि मैंगो वाला आम, आम आव और आम।
एक बंदा मुझे कमेंट करता है और कहता है कि सर आपको पढ़ाने नहीं आता है। अच्छा, हमको सिखा रहा है। हमको लगा यार हमको पढ़ाने नहीं आता है तो हम इतना पढ़ा कैसे रहे हैं, मतलब इतना सारा वीडियो ना दिए हैं यार, क्या बात है। वो कहता है कि सर यहाँ पे हलांत नहीं होता है, यहाँ पे हलांत होता है, यहाँ से हलांत हटा दीजिए और यहाँ पे हलांत लगा दीजिए। कौन से स्कूल में पढ़े यार, कौन से टीचर से पढ़ लिया कि तुम उल्टा सीधा सिखा दिया उसको, हमको सिखा रहे हो। ऐसे ही लोग जो होते हैं क्या करते हैं, उल्टा सीधा वीडियो देख लेते हैं, कहीं से कुछ भी वीडियो देख लिए और उसके बाद फिर जो है जो मतलब सही से पढ़ा भी रहा है उसको जो है कमेंट कर देता है कि सर यहाँ पे हलांत हटा दीजिए, यहाँ पे हलांत लगा दीजिए। पहले खुद अच्छे से पढ़ लो यार, क्यों अपने टीचर को बदनाम कर रहे हो कि मतलब हम पढ़े हैं ऐसा होता है, हम पढ़े हैं ऐसा होता है, अच्छे से पढ़ो। कहां से आते हैं, कहते ना अधूरा ज्ञान जो है बहुत खतरनाक होता है, तो आधा अधूरा पढ़ोगे तो यही होगा, तो आधा अधूरा मत पढ़ो, पढ़ना है तो पूरा पढ़ो, अरे तो एकदम पढ़े मत करो, आधा नॉलेज होगा ना। कहते अधजल गगरी छलकत जाए वही वाला हाल है। तो हलांत यहाँ पे लगाइएगा, यहाँ पे बिल्कुल नहीं लगाइएगा तो गलती हो जाएगा, आपको मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे हलांत, यहाँ पे हलांत, यहाँ पे हलांत, फिर यहाँ पे और किसी में नहीं, यहाँ पे अम्ल लगता है, ठीक है। तो हलांत का बहुत मायने होता है संस्कृत में, इसलिए हलांत का विशेष ध्यान रखिएगा। तो हमारा सूत्र बनकर तैयार है लंग लकार यानी कि भूतकाल का, ता ताम न अह तम ता अम आव और आम। हाँ, एक बात और, कहीं कहीं आपको ऐसा किसी ने कोई बता भी सकता है, कोई कह भी सकता है, कोई ताना ही मार सकता है कि आपके सर गलती बता रहे हैं, इसके पहले आ लगता है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब बच्चा जो छोटा होता है तो खिलौने के लिए रोता है, पापा पापा हमको खिलौना दिलवा दीजिए, हमको खिलौना दिलवा दीजिए। अब बाबूजी क्या करते हैं, अच्छा ले लो, क्या करेगा बाबूजी के पता है खिलौना टूट जाएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा, लेकिन फिर भी बाबू के खुश करने के लिए खिलौना दिलवा देते हैं, ले ले बाबू, ले 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 ले, खुश रहना। फिर बाद में टूट जाता है, फिर बच्चा जो है समझदार हो जाता है, समझ जाता है कि खिलौना टूटने वाला था, टूट गया। तो आपको ही सही सही पूरा तरीके से बता दूं कि जो आ है वो बेकार है, आ जो है लगता नहीं है, आप कंफ्यूज रहेगा, इसलिए अब आपको लगाना है तो लगा दीजिए, बाद में आप खुद समझ लीजिएगा कि इसमें लगता ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि आ जो है यहाँ पर लगता नहीं है, इसका अलग से उपयोग होता है जो हम आपको अच्छे से बताएंगे, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब कोई किसी को चाहिए कि हाँ सर आ लगा दीजिए, तो भाई लो लगा दिए, अब इसको याद करो, आत अताम अन कोई शेष ही नहीं बन रहा है, कैसे याद करेंगे, ऊट पटांग हो जा रहा है। तो आपको तरीके से बता रहे हैं, बस विश्वास रखिए और वीडियो पूरा देखिए। तो हम यहाँ पे आ नहीं लगाएंगे, पढ़ेंगे ताम न अह तम त अम आव आम। चलिए अब बात करते हैं कि इसका उपयोग कहाँ करेंगे, कहे कि जिस चीज का इस्तेमाल नहीं होता है वो बेकार हो जाता है। जो घड़ी के साफ का प्रचार आता है उसमें कहना है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, वो भी कह रहा है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे वो बताने वाले हैं। तो चलिए इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे बताते हैं। तो इसका इस्तेमाल करते हैं धातु रूप बनाने में और अनुवाद बनाने में। अब धातु रूप कैसे बनाते हैं सब कुछ बता दिए पिछले वीडियो में, तो देखिए हम सीधा आते हैं धातु रूप पे। तो कौन सा धातु का धातु रूप बनाए, तो मान लीजिए मुझे बनाना है एक धातु रूप जिसका नाम है लिख धातु। लिख मतलब होता है लिखना, तो लिख, हाँ यहाँ पे हलांत देंगे और हम बताएंगे कहां पर नहीं देंगे। तो लिख धातु रूप, लिख का धातु रूप बना रहे हैं, तो कॉलम सेम ऐसा ही बनाएंगे, एक वचन द्विवचन बहुवचन प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष। तो देर किस बात का है, बना लेते हैं। तो एक वचन मैंने शॉर्ट में लिखा है एक और वाद देकर जीरो, जीरो मतलब कि वचन, ठीक है समझ जाना यार। द्विवचन और ये है बहुवचन, तो एक वचन द्विवचन बहुवचन हो गया। यहां लिखता हूं मैं प्रथम पुरुष, ये हो गया मध्यम पुरुष और ये हो गया उत्तम पुरुष। मेरा मार्कर जो है ना चू चू कर रहा है, चूहे जैसा चूहे जैसा कर रहा है, चूहा वाला मार्कर है। चलो अब बनाते कैसे है वो समझाता हूं मैं आपको। तो मान लीजिए मुझे लिख सब लिख धातु का धातु रूप बनाना है, तो सभी कॉलम पहले आप लिखिए लिख, लिख लिया, लिख यहां भी और लिख यहां भी और लिख यहां भी, मतलब सारे कॉलम में हम लिख लेंगे लिख, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप है कि आप जो भी धातु का शब्द सॉरी धातु का धातु रूप बना रहे हो उसको लिख लो। दूसरा स्टेप होता है कि लास्ट में सूत्र को ऐड करो। तो प्रथम पुरुष एक वचन क्या है त, तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या ऐड करेंगे त, ऐसे त ऐड कर देना।
तो ऐड कर देंगे सारे में, तो ऐसे याद कर देंगे। यहाँ पे प्रथम पुरुष द्विवचन में लिखा हुआ है ताम, तो प्रथम पुरुष द्विवचन में लगा देंगे ताम, इस प्रकार से हो गया। और यहाँ पे न है तो यहाँ पे न ऐड कर देंगे, ठीक है। चलो अभी हम बात कर रहे थे ना कि आ कहाँ लगता है, तो आइए बताता हूँ आ कहाँ लगता है। तो जब भी आप किसी भी धातु का धातु रूप बनाओ और आप बना रहे हो लंग लकार यानी भूतकाल, तो इसे पता चलना चाहिए ना कि यहाँ पे भूत कहाँ पे है। कोई तो हंसता भी है तो लगता है कि चुड़ैल हंस रही है, होता है ऐसा, ठीक है, मैंने देखा है। तो आपको इसमें एक भूत लगाना है, भूत यानी कि इसके पहले एक आ लगाना है, ठीक है। सबके पहले आ लगाएंगे, कब लगाएंगे, जब आप भूतकाल यानी कि लंग लकार बना रहे हो तब। सिर्फ भूतकाल नहीं लगता है भूत, और किसी में भूत नहीं लगता है। तो आप जब भी बनाएंगे तो इसके पहले एक आ लगा देंगे, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो जब भी लंग लकार का धातु बनाएंगे सब में हम भूत लगाएंगे, यानी कि आ जो है पहले लगाएंगे। तो मैंने आपको तीन स्टेप बताया। पहला स्टेप क्या था, जिसमें धातु का धातु रूप बना रहे हो उसको पहले कॉलम में लिख लो, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कि जो सूत्र होता है उसको लास्ट में ऐड कर दो। तीसरा स्टेप कि सबके पहले एक भूत लगा दो यानी कि आ लगा दो। तो ये बन गया आलिखत, आलिखताम और आलिखन। इसी प्रकार से अब मैं सीधे डायरेक्ट आता हूं कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाएंगे आ लिख और यहाँ पे आह है, तो आह यानी कि सिर्फ विसर्ग रहेगा क्योंकि आ तो पहले से इसमें लगा हुआ है। तो आ लिख और आ लगाएंगे आ लिखा, लास्ट में ह की मात्रा आ जाएगी। यहां में कैसे बनाएंगे, यहां बनाएंगे आ लिख और लास्ट में सूत्र ऐड करेंगे तम, आ लिख तम, इस प्रकार से यहां हो जाएगा आ लिख और लास्ट में सूत्र ऐड करेंगे त, आ लिखत। और हलंत तो बिल्कुल नहीं देंगे, यहां पे हलंत नहीं होता, यहां पे हलंत होता है। इसमें हो जाएगा आ लिख और इसके लास्ट में अम लगाएंगे, आ लिख में अम लगाएंगे, हलंत मसीब लगाएंगे क्योंकि अम लगाएंगे तो आ इसमें ऐड होता है, आ लिख और अम, आ लिखम, तो बन गया आ लिखम। यहाँ पे हो जाएगा आ लिख और सूत्र क्या है आओ, तो आ लिख और आओ आ लिखाओ, इस प्रकार से यहां बन जाएगा आ लिख और आम आ लिखाम, इस प्रकार से। अगर आपको नहीं दिख रहा है या कोई दिक्कत हो रहा है तो आप समझ गए हैं, आप खुद से बना सकते हैं। तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा धातु रूप बनाने का तरीका। अब हम बात करते हैं कि क्या इससे हम अनुवाद बना सकते हैं, तो इसी से अनुवाद बना सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है, धातु रूप से ही अनुवाद बनाया जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं धातु रूप से अनुवाद कैसे बनाएंगे। हमने सूत्र जान लिया, धातु रूप कैसे बनाते हैं वो भी सीख लिया, चलिए अब सीखते हैं कि इसका अनुवाद कैसे बनाते हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया धातु रूप और यहाँ पे सर्वनाम सूत्र। पिछले वीडियो में मैंने सर्वनाम सूत्र बताया था, लेकिन मैं फिर से एक बार दोहराता हूं। तो सर्वनाम सूत्र स यानी कि वह, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे लोग, समझिए एक तरह से शब्दार्थ है, इसको याद कर लेंगे तो अनुवाद बनाने में बहुत ही सहायता मिलेगा। तो स मतलब वह, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे लोग, तो मतलब तुम, युवा मतलब तुम लोग, युवा मतलब तुम लोग, आ मतलब मैं, आवा मतलब तुम, हम दोनों, और वह मतलब हम लोग, ये होता है। अनुवाद बनाएंगे और मजा आएगा। तो मान लीजिए कि मेरा एक अनुवाद है और वह अनुवाद है कि राम लिखता था, राम लिखता था। मान लीजिए कि राम जो है वो सीता के पत्र लिखते थे, मेरी प्रिय सीते मैं तुमसे जल्द ही मिलने आ रहा हूं, तुम थोड़ा सा और सबर कर रखना। तो ऐसे मान लो पत्र लिखते थे, अरे कहना क्या चाहते हो। तो मैंने लिखा है कि राम लिखता था, मजा नहीं आ रहा है, राम पत्र लिखता था, राम पत्र लिखता था। देखिए यहां पे हम थे नहीं लगा सकते, ऐसे रिस्पेक्ट देने के लिए थे बोलते हैं कि राम पत्र लिखते थे, अब थे बोलेंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा, लेकिन संख्या तो एक ही है। तो अगर मैं यहां पर लिखूं कि राम पत्र लिखते थे तो गलत नहीं होगा, पर ग्रामर के अनुसार गलत होगा, ठीक है। तो मुझे करना पड़ेगा कि राम पत्र लिखता था, यहाँ भगवान नहीं है, यहाँ पे किसी का नाम है, ठीक है। तो नाम समझ के जो है बनाते हैं। तो राम पत्र लिखता था कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाने का ट्रिक है, तो सिंपल सा है। पहले देखिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि संस्कृत बिल्कुल आसान है, जैसे जैसे जो जो शब्द आए उसका संस्कृत वर्ड मीनिंग रखते जाओ और संस्कृत बन जाएगा।
इसमें ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं दिमाग लगाना पड़ता है, इसमें ये दिमाग नहीं लगाना पड़ता है कि पहले भर्व आएगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, पहले क्वेश्चन मार्क आएगा, पहले क्या आएगा, पहले दादा आएगा कि पहले दादी आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिंपल है, जो शब्द आए उसका वर्ड मीनिंग लिख दो, संस्कृत बनता जाएगा। ये तो जैसे रोड बनता ना, धीरे 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 आगे बढ़ता जाता है, ऐसे ही रोड की तरह है। तो देखिए, राम पहले आया, राम का संस्कृत क्या होता है, तो किसी भी अगर शब्द का, अगर किसी भी नाम का संस्कृत करना है, जैसे आपका नाम है, आपका नाम अगर आप लड़के हैं और आपका नाम संस्कृत में करना है तो लास्ट में विसर्ग लगा लीजिए, संस्कृत बन जाएगा। मान लीजिए आपका नाम सूरज है तो बोलेंगे सूरजा, मतलब कि लास्ट में विसर्ग। राम है तो राम के लास्ट में विसर्ग लगाएं, राम संस्कृत बनेगा। और अगर आप लड़की है और आपका नाम संस्कृत में करना है तो ऐसे आंख बंद कीजिए और ऐसे खोल लीजिए, आपका नाम संस्कृत में हो गया। आप पूछेंगे ये कौन सा जादू है, ये जादू इसलिए है क्योंकि लड़की का नाम ऑलरेडी संस्कृत में होता है, दोनों सेम सेम होता है, हिंदी संस्कृत सेम सेम, उसमें कोई डिफरेंट नहीं होता है। तो लड़की का नाम ऑलरेडी संस्कृत में होता है, लड़का का नाम संस्कृत में करना है तो विसर्ग लगा दो, संस्कृत जाएगा, इतना सिंपल है। तो राम को हम बना दिए राम। पत्र का करेंगे पत्रम, पत्रम। अब आप ये पूछेंगे कि सर इसे भी सर कहा नहीं लगाए, इसको भी सर लगा के संस्कृत ना आते। देखो मैं, अरे क्या बेसिक बताने लग गया यार, मैं बताता हूँ थोड़ा सा। देखो हिंदी में अगर पढ़ोगे तो लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुलिंग। लेकिन अगर संस्कृत में पढ़ोगे तो लिंग तीन प्रकार का होता है, स्त्रीलिंग, पुलिंग और नपुंसक लिंग, यानी इसमें निर्जीव वस्तु के लिए भी एक अलग स्पेशल से लिंग लगा गया। तो ये जो है निर्जीव है, पत्र क्या होता है, निर्जीव होता है, तो निर्जीव को संस्कृत करने के लिए हलंत मा लगाते हैं। यह संस्कृत का जो है ना सीक्रेट बता रहे हैं आपको, मतलब किसी शब्द का संस्कृत करना तो कैसे करेंगे ये सबको नहीं पता होता है, अंथाइए लगाता है। मेरे एक गुरुजी थे, जब जब एग्जाम होता था ना तो मेरे गुरुजी संस्कृत के थे और क्या बताते थे कि जब भी एग्जाम हो और तुमको संस्कृत नहीं आ रहा हो तो क्या करना कि सब कुछ हिंदी में लिख लेना, जो भी क्वेश्चन आंसर है सब हिंदी में लिख लो और लास्ट में अपना पेन खोलो, उसका इंक जो है सब पे छिड़ दो, हलंत विसर्ग लग जाएगा और संस्कृत बन जाएगा। कैसा लगा मेरा मजाक? तो ऐसा मत कीजिएगा आप सब, क्योंकि अब जो है ना सब मॉडर्न है, अब सब जो है अधिकतर टीचर संस्कृत जानते हैं, ठीक है, तो ऐसा मत कीजिएगा तो आपको फेल कर दिया जाएगा। फिर रिजल्ट आया, बाबू जी हम फेल हो गए, कैसे फेल हो गया, तो संस्कृत के पेपर में इंक छिड़ दूंगी बाहर, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है, वो मजाक था। तो राम संस्कृत कर दीजिए राम, पत्र का संस्कृत कर दीजिए पत्रम, लिखता था। अब लिखता था कैसे करेंगे, तो अब जो है मेन रूल जो है, मेन नियम जो है अब लगाना है, अब जो हमें दिमाग लगाना है, तो दिमाग ज्यादा कुछ नहीं लगाएंगे, बस छोटा सा ट्रिक है, छोटा स्टेप है करेंगे। तो सबसे पहले आप पता कीजिए कि जो राम है, जो कर्ता है, जो सब्जेक्ट है, इसका जो है बायोडाटा पता करेंगे, राम कौन सा वचन है और कौन सा पुरुष है। बताया था हम कि वचन और पुरुष बहुत ही छोटा टॉपिक होता है, लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। तो आपको ये पता करना है कि राम जो है कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है। तो ये जो है प्रथम पुरुष है, कौन सा है, प्रथम पुरुष है, और राम एक संख्या है तो एक वचन होगा। तो एक संख्या यानी एक वचन और प्रथम पुरुष में होता है। प्रथम पुरुष कैसे, क्योंकि राम के बारे में कहा जा रहा है, बाकी डिटेल्स जो है आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट में मिल जाएगा। तो प्रथम पुरुष में ये होता है और एक वचन होता है, एक वचन। तो आपको सेम ऐसा ही जो है लगाना है, वो भी लिख धातु में, किसमें, लिख धातु में। तो लिख धातु का, क्योंकि लिखना है ना, तो लिख धातु में हम ढूंढेंगे सेम यही कंडीशन, जो प्रथम पुरुष में हो और एक वचन में हो। तो यही तो है प्रथम पुरुष एक वचन, कौन सा है, अलिखत। तो हम यहां लिखेंगे अलिखत, ऐसे हम सिर्फ यही लगा सकते हैं और इसमें से कोई नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो प्रथम पुरुष एकवचन है। तो हमें सेम यही कंडीशन जो है इसमें लगाना पड़ेगा, प्रथम पुरुष एकवचन अलिखत होता है, तो अलिखत लगाएंगे और कुछ नहीं लगाएंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं तो और आपको अच्छे से क्लियर होगा, डॉट क्लियर होगा। तो हमारा इस बार सेंटेंस है, ये पहला सेंटेंस था। हमारा दूसरा सेंटेंस है कि तुम दोनों लिखते थे। यहां पत्र नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैंने सिर्फ लिखते थे लिखा, तुम दोनों पत्र लिखते
थे, इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आप जो है तुम दोनों का संस्कृत ढूंढिए, वो भी सर्वनाम सूत्र मिलेगा। तो देखिए मध्यम पुरुष में होता है एक वचन त्वम और द्विवचन युवाम, यानी कि तुम दोनों। तो हमें ये पता कर लिया तुम दोनों का संस्कृत क्या हो गया, युवाम। तो मैं यहां लिखता हूं युवाम, युवाम यानी कि तुम दोनों, ठीक है। उसके बाद आता है लिखते थे, अब इसे संस्कृत कैसे करेंगे, तो आपको सेम यही कंडीशन देखना है इसमें लिख धातु में। तो देखिए यहां पे मध्यम पुरुष और द्विवचन के नीचे आता है युवाम, तो सेम यही कंडीशन देखिए, मध्यम पुरुष और द्विवचन के नीचे आता है अलिखतम, मध्यम पुरुष और द्विवचन अलिखतम, तो हम यही लगाएंगे अलिखतम ऐसे, तो ये हो जाएगा युवाम अलिखतम, मतलब तुम दोनों लिखते थे। तो इस प्रकार से ट्रिक से बनाया जाता है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मान लीजिए ये जो है दूल्हा है और ये दुल्हन है और दोनों को शादी करवाना है, तो शादी कैसे करवाएंगे, तो सेम जो है मतलब जाति धर्म सब जो है सेम होना चाहिए। तो देखिए मध्यम पुरुष धर्म हो गया और द्विवचन जाति हो गया, इसका मध्यम पुरुष धर्म हो गया द्विवचन जाति हो गया, इसके साथ शादी करवा दिए, तो युवाम अलिखतम। अब बताओ जोड़ी कैसा लग रहा है, इन दोनों का जोड़ी आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिए, शानदार जोड़ी, जबरदस्त जोड़ी या बेकार जोड़ी, कैसा जोड़ी है युवाम अलिखतम। तो ये इस प्रकार से बनाते हैं। एक सेंटेंस और लेते हैं, मान लीजिए मेरा सेंटेंस है तीसरा कि हम लोग लिखते थे, इसको कैसे बनाएंगे, तो हम लोग यानी कि हम लोग का संस्कृत क्या है ढूंढिए पहले। उत्तम पुरुष में अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम लोग, तो वयम मतलब होता है हम लोग, वयम लिख लेंगे। अब देखेंगे कि वयम जो है वो दुल्हा है वो कौन से जाति कौन से धर्म का है, तो दुल्हा का धर्म है उत्तम पुरुष और जाति है बहुवचन, तो सेम यही कंडीशन का इसी तरीके का दुल्हन ढूंढेंगे। तो ढूंढिए दुल्हन कहाँ है, उत्तम पुरुष और बहुवचन, इसके नीचे इसके सामने क्या है अलिखाम, तो हम सेम यहां लिखेंगे अलिखाम, अलिखाम मतलब कि लिखते थे, तो हम लोग लिखते थे वयम अलिखाम, इस प्रकार से बना सकते हैं। अगर लिखना नहीं होता, पढ़ना होता, जाना होता, आना होता, तो कैसे बनाते, तो इसके लिए हमें धातु रूप चेंज करना पड़ता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बताता हूं, एक एग्जांपल के लिए बताता हूं, मान लीजिए हमें बनाना है, देखिए मैं यहां बताता हूं, मुझे बनाना है चौथा सेंटेंस कि मैं लिखता नहीं हूं, मैं पढ़ता था, इसका कैसे बनाएंगे, मैं पढ़ता था, यहां लिखना नहीं है यहां पढ़ना है, तो सेम वही कंडीशन है, पहले आप मैं का संस्कृत ढूंढिए क्या होता है, अहम मतलब कि मैं, तो मैं लिखूंगा अहम, अहम मतलब मैं, अहम का जो है पूरा जाति धर्म देख लीजिए, तो अहम उत्तम पुरुष में आता है एक वचन के नीचे आता है, तो उत्तम पुरुष एक वचन के नीचे क्या है अलिखतम, लेकिन ये तो लिख धातु का है, हमें आना है पठ धातु का, पठ मतलब होता है पढ़ना, तो सबसे पहले तो हम यहां लिखते हैं पठ, इसमें कौन का सब सूत्र है, पहले तो आ लगा लेंगे तो आ पठ हो जाएगा, उसमें लास्ट में क्या लगा है हलंत म, तो इसमें हम हलंत म लगा लेंगे तो बन जाएगा आ पठम, जैसे यहां होता है आ लिख हम, इसी प्रकार से आ पठम मतलब मैं पढ़ता था, अहम आ पठम मैं पढ़ता था। तो अब आप सीख गए हैं कि अनुवाद कैसे बनाते हैं। चलिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं जिसको आपको बनाना है खुद से, इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मुझे पता चल जाएगा आपको बनाने आया या नहीं आया। तो बहुत ही सिंपल सा है, बस मैं दो देता हूं आपको, दो सेंटेंस देता हूं बनाइएगा। तो पहला सेंटेंस है कि सीता लिखती थी, बहुत सिंपल है आप बना लोगे, सीता लिखती थी। और दूसरा सेंटेंस मैं आपको देता हूं कि तुम, मैं थोड़ा सा धातु बदलने वाला हूं, तो तुम जाते थे, यही बना लोगे आप। यहाँ पे गच मतलब होता है जाना, तो आपको सिर्फ धातु चेंज करना है, बाकी नियम सारा वही रहेगा। तो मैंने आपको दो सेंटेंस दिया है, इसको जो है आपको बनाना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है कि क्या बनेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, बाय बाय, जय हिंद।